हेलो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नाम रियान और आज के इस वीडियो में मैं रिप्लाई देने वाला हूँ टॉमी भाई को जो बेवजह भोंकते रहता है। कल मैंने उसका एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहा था खांसे फैन नल्ले और गधे होते हैं, उसे बेवजह गाली दे दे रहे हैं। अबे गालियां तो तुझे देंगे ही, जब तू गाली सुनने वाली बात करता है, स्वर जैसी तेरी शक्ल है उसमें नकली सुना पहन के तू अपने आपको प्लेयर ही समझता है। तूने एक चैलेंज दिया था ना खांसे के सभी फैंस को, किसी भी खांसे की ऐसी फिल्म लेकर आओ जिसने 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की हो विदाउट फेस्टिवल रिलीज, तो उसी का जवाब मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मैं तीनों खान का फैन नहीं हूँ, आमिर खान सलमान खान का मैं फैन नहीं हूँ, उनकी फिल्म देखता हूँ जैसे कि अदर एक्टर्स की फिल्म देखता हूँ। मैं फैन हूँ शाहरुख खान का, रणवीर सिंह का, शाहिद कपूर का एंड शाहरुख खान का मैं डाई हार्ड फैन हूँ। तो चलिए दोस्तों वापस टॉपिक पे आते हैं। ये बात कर रहा था केजीएफ एंड जेलसी के क्लैश के ऊपर। इसने बोला था कि आमिर खान ने डर के मारे अपने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी, पर ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आमिर खान का ये डिसीजन बहुत अच्छा है। अप्रैल के महीने में रमजान होते हैं, वैसे भी फिल्म का कलेक्शन कम ही होता था और इतने बड़े क्लैश में दोनों फिल्म का नुकसान होना तय था। नो डाउट केजीएफ बहुत बड़ी फिल्म है, उसका बस अलग लेवल है, बट आमिर खान का जो कॉन्टेंट होता है वो जेन्युइनली सबको पसंद आता है। मैं समझता हूँ कि आमिर खान का बहुत ही बड़ा समझदार वाला ये फैसला था जो उन्होंने अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ा दी। इससे केजीएफ को भी फायदा होगा और आमिर खान की फिल्म को भी फायदा होगा। और रमजान के महीने में वैसे भी फिल्म थोड़ा कम ही कलेक्शन करती है, मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। रमजान के महीने में मैं थिएटर नहीं जाता हूँ फिल्म देखने, रोज करके कौन फिल्म देखता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन कि आमिर खान ने अपनी फिल्म को आगे बढ़ा दिया। एंड अभी बात करते हैं इसके चैलेंज की, जो इसने चैलेंज दिया था ना कि किसी भी खान से ऐसी फिल्म लेकर आओ जिसने 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की हो विदाउट फेस्टिवल रिलीज। तो सबसे पहले इस टॉमी के मुंह में मैं निवाला डालूंगा आमिर खान की फिल्म का, क्योंकि आमिर खान को लेकर ही इसने ये बात कही थी। तो दोस्तों 16 मई 2006 में फिल्म रिलीज हुई थी फना। तो इस टॉमी भाई से मैं कहूंगा कि तू अपनी जितनी रिसर्च करनी है कर ले और मुझे बता 16 मई को कौन सा फेस्टिवल था जिसपे फना फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों फना मूवी 16 मई 2006 को रिलीज हुई थी विदाउट फेस्टिवल और इस फिल्म ने इंडिया के अंदर 51 करोड़ का कलेक्शन किया था और साथ ही वर्ल्ड वाइड 105 करोड़ का कलेक्शन किया था। अच्छे के इस कलेक्शन का 2019 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 80 करोड़ से कहीं ज्यादा बैठते हैं ये पैसे। तो इस टॉमी भाई को मैं बोलूंगा जाके रिसर्च कर और आके मुझे बता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तू तो काफी टाइम से फिल्म देख रहा है, उनका रिव्यू दे रहा है ना। तो चल एक और मूवी बता दो मैं खान की ऐसी जो विदाउट फेस्टिवल रिलीज हुई थी और धमाकेदार ओपनिंग के साथ सुपर हिट हुई थी, फिल्म मैं हूं ना। 30 अप्रैल 2004 में मैं हूं ना रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने 53 करोड़ इंडिया में कमाए थे और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 78 करोड़ रुपए कमाए थे। और इस फिल्म का कलेक्शन भी 2004 से 2019 में कंपेयर किया जाए तो 80 करोड़ से कहीं ज्यादा जाके बैठते हैं। साले टॉमी चूतिया कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है, बोलने से पहले सोच तो लिया कर क्या बोल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात किसके लिए बोल रहा है। खांस को तूने समझ क्या रखा है? खांस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, खांस का कोई कंपैरिजन नहीं है पूरे बॉलीवुड में, तो क्या पूरे इंडियन सिनेमा में? इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म खांस के नाम, इंडिया की सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम चलने वाली फिल्म, इंडिया की छोड़ो इवन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस में चलने वाली फिल्म खांस के नाम, सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म खांस के नाम और सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड खांस के नाम। मैं कोई नहीं है इनके टक्कर में। तू खामा खाया के बकचोदी पेलता रहता, कुछ भी बोलते रहता अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अब झाटू बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया कर, आगे से कुछ भी बोलने से पहले रिसर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ तेरा बाप भी बैठा है तेरे को रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, कुछ नहीं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है करो, वीडियो को लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करो, जिसको जो अच्छा लगता है करो। अपने ऐसा का डाई हार्ड फैन कोई उसके बारे में बुरा बोलेगा अपन लोग उसकी बजा देंगे।